बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पर्स व्लॉग विद अलीशा। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके व्लॉग शेयर करूँगी पैरट्स का ही। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पैरट्स का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो दो पैरट्स आप ये मतलब ना जो कपल है, ठीक है, इनको क्यों सेपरेट किया हुआ है? इसलिए सेपरेट किए कि ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में 3 से 4 जो पैरट्स हैं वो इसी तरह जो है ना वो इनकी डेथ हो गई है, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं और फिर इतना शदीद जख्मी कर देते हैं कि मार ही देते हैं। तो इस वजह से इनको सेपरेट किया हुआ है कि इनको मार पड़ी थी, और मारता कौन है? वही वाली ये, ठीक है। और इनकी काफ़ी जो है ना केयर किया करें आप लोग भी जिन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, लड़े ना ये। और जिन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा रखे होते हैं, बाहर पड़े होते हैं, उनको इतना फील नहीं होता, हम लोगों को तो बहुत फील होता है। तो मतलब हमारे काफ़ी कम हो गए हैं, ठीक है, तो 3-4 मरे हैं और दूसरे पैरट्स जो हैं वो अंदर रखे हुए हैं, ये ना पीछे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब मेरे जो एग्ज़ाम है वो 2 रह गए हैं, और इंशाल्लाह अब डेली बेस पर जो है ना वीडियो में एग्ज़ाम्स के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और मज़ीद ये है कि इनकी केयर आप लोग बहुत करें आगे, जो है ना विंटर आ रहा है तो काफ़ी केयर होती है इनकी। ये इनका फर्स्ट ईयर है हमारे घर में इनका, तो जैसे जैसे हम इनकी केयर करेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। दूसरे पैरट्स का एक्सपीरियंस तो है, दूसरे पैरट्स की ये है कि अच्छे से इनको कवर करके रखते हैं। स्पेशली ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा जब पड़ती है ना ठंड तो ये मर भी जाते हैं, तो इनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और दूसरे पैरट होते हैं वो तो थोड़ा अपने आप को कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी होती है जिस दिन ज़्यादा ठंड हो तो उस दिन आप इनका ऊपर से जो आप इनको कवर करते हैं जिस कपड़े से वो ना उतारें, ठीक है। और सर्दियों में ही ज़्यादा केयर होती है, गर्मियों में भी केयर ये होती है कि गर्मियों में बस आप अंदर ही रखें इन्हें, रखते हैं हम लोग भी गर्मियों में अंदर ही रखते हैं, और जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो ना तब हम लोग बाहर लेके जाते हैं, इनको बाहर रखते हैं और ख़ुद भी पास रहते हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है जब से छोटू हुआ है ना बिल्ली के हाथों से, तो तब से ज़्यादा केयर करते हैं हम लोग, बाहर नहीं निकालते बिल्कुल, क्योंकि बिल्लियों का तो कोई पता नहीं होता, कभी भी अटैक कर सकती हैं, ठीक है। और बस आज की वीडियो जो है ना बस छोटी सी थी कि मतलब आगे मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, और इनके जो है ना साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी डिटेल वाइज कि इनकी केयर कैसे करनी है, इनको खाने पीने की क्या केयर है। खाने पीने की तो कोई केयर होगी नहीं, बट जो भी हुआ मैं आपको इसका शेयर कर दूँगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि इनको लड़ने से बचाया करें, क्योंकि ये लड़ते हैं ना जब तो जब बहुत ज़्यादा लड़े ना तो मार भी देते हैं, हमारे साथ ये सिचुएशन हो चुकी है। और बस यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।